हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में जैसा कि आप सब जानते हैं हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कंपनियों के बारे में जिनको बी ने अपने जो सेंसेक्स के लिस्ट से निकाल दिया है या जो नई कंपनी को उसने ऐड किया है मीन्स अगर आप देखेंगे तो टाइम टू टाइम ये लिस्ट अपडेट होते रहती है तो उसी के रिगार्डिंग अपडेट आई है तो इसी पे आज का ये वीडियो है ये वीडियो आप पूरा देखिए यही रिक्वेस्ट हम करेंगे वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक करें कमेंट करके आप बताएं कि आपको क्या लगता है इन कंपनीज़ के बारे में अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बिल्कुल बोल सकते हैं एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो बी का जो सेंसेक्स ये रिलीज होता है सेंसेक्स आप सब जानते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स दो इंडेक्स हैं हमारे स्टॉक मार्केट में एंड जब भी बी में लिस्टेड जो भी स्टॉक है जब उनकी मीन्स उनमें तेज़ी देखने को मिलती है तो उसमें हमें दिखता है कि सेंसेक्स भी बढ़ रहा है एंड एन में लिस्टेड स्टॉक की अगर तेज़ी देखने को मिलती है तो उसमें एन हमें नेफ्टी बढ़ते हुए देखने को मिलता है तो एन और सेंसेक्स दो अगर आप इंडेक्स इंडेक्स है उसमें, वो इंडेक्स में 50 नेफ्टी, 50 बोला है उसमें उसमें वो में अराउंड बोला जाता शेयर्स जाते हैं तीस शेयर एन एस सी और बी एस में अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी में, में शॉर्ट लिस्ट जो किए जाते हैं शेयर उनके अलग पैरामीटर्स होते हैं तो एक बता देना चाहता हूं, जो बी का सेंसेक्स रिलीज होता है तो उसमें ये जो एशिया का सेंसेक्स माना एशिया का इंडेक्स माना जाता है ये तो उसमें आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ ये पार्टनरशिप है पार्टनरशिप ये जो है यह एस एन पी डाव जोन्स इंडाइसिस एल और बी लिमिटेड के बीच में है इन दोनों के बीच में ये पार्टनरशिप है एंड इनके थ्रू ये रिलीज किया जाता है सेंसेक्स और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये सेंसेक्स की लिस्ट जो पाँच कंप कम... और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो सेंसेक्स का लिस्ट है जिसमें तीस कंपनियां आती है ये तीस कंपनियों का परफॉर्मेंस ही डिसाइड करता है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है घट रहा है अगर आप देखेंगे ये तीस कंपनियां अगर डाउन जा रही है तो सेंसेक्स भी हमें गिरते हुए देखने मिलेगा निफ्टी फिफ्टी के अगर स्टॉक गिर रहे हैं तो हमें निफ्टी फिफ्टी भी गिर इंडेक्स गिरने देखते गिरने को मिलता है तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन सी कंपनियाँ किस रिप्लेस कर रही है पहला नाम आता है विप्रो विप्रो के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट आई आईटी सर्विस कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया में ये रिप्लेस कर रहा है बजाज ऑटो को इंडिया में जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर बनाने वाली कंपनी है बजाज ऑटो ये उसे रिप्लेस कर रहा है एंड मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ अगर विप्रो के बारे में तो विप्रो एक ऐसा शेयर है लॉन्ग टर्म ने इसने अपने होल्डर को बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया अगर ऐसे मैं दिखाओ तो पिछले एक महीने में कंपनी ने अभी के लिए अगर आप देखें तो आठ परसेंट साढ़े सात परसेंट का लॉस में रिटर्न दिया है छः महीने में तीस परसेंट का दिया है एक साल में अराउंड एटी सेवन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट का रिटर्न दिया है अगर पाँच साल में बताओ टू सेवेंटी टू परसेंट का रिटर्न दिया है बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा ये तो हो गया मीन्स आप देखेंगे ये ऑन चार्ट का रिटर्न पैटर्न है अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं इसने कितने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या बोनस दिया है तो आपको बता देना चाहता हूं इस कंपनी ने देखिए स्टार्ट ये हुई इसने स्टार्टिंग हुई थी बोनस की अराउंड ये कंपनी ने पहले बोनस दिया नाइनटीन में थ्री ईर्स टू वन का देन नाइनटीन एटी वन में नाइनटीन एटी फाइव में नाइनटीन एटी सेवन में नाइनटीन ऐटी नाइन में नाइनटीन नाइन्टी टू में नाइनटीन नाइन्टी फाइव में नाइन्टीन नाइन्टी सेवन में 2004 में 2005 में 2010 में भी इसने इसने बोनस दिया अराउंड लास्ट बोनस दिया 2019 में 2017 में भी बोनस टू एंड 2019 में भी इस कंपनी ने बोनस दिया अपने शेयर होल्डर्स को तो आप देखेंगे तो ये कंपनी बोनस पेइंग शेयर्स है कंपनी कंटिन्यूस बोनस देती है अपने शेयर होल्डर को उसके बाद अगर आपको मैं बताऊँ तो ये कंपनी कंटिन्यूस डिविडेंड भी पे करती है अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ फेस वैल्यू सिर्फ दो रुपए का है बट अगर आप इनके डिविडेंड का देखेंगे तो 2021 में इस कंपनी ने अभी तक डिविडेंड दिया है एक रुपये का उसके बाद 2020 में इसने एक रुपये का डिविडेंड दिया था 2019 में दिया था कंटिन्यूअस ये कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है अगर आप देखेंगे रिटर्न्स के टर्म में तो इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को जिसने लॉन्ग टर्म में होल्ड किया इसके शेयर्स को तो कंपनी के बारे में बता देना चाहता हूँ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है थ्री लैख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फिफ्टी वन करोड़ का कंपनी का करंट प्राइस जैसे कि मैंने आपको बता रहा है इसका करंट प्राइस है सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन पॉइंट फिफ्टी रुपीज़ का एंड इस कंपनी का अगर आप देखें बुक वैल्यू तो वन हंड्रेड एंड थर्टीन रुपीज़ का है कंपनी का फेस वैल्यू टू तो रुपीज़ का है डिविडेंड येल्ड का अगर परसेंट देखेंगे तो जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट है और ये कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग कंपनी है कंपनी प्रमोटर होल्डिंग सेवेंटी थ्री परसेंट का है जिसमें बिल्कुल शेयर नहीं है एफ आई आई की होल्डिंग नाइन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट की है डी आई आई की होल्डिंग टू पॉइंट जीरो फाइव परसेंट की है अगर मैं आपको बता दूँ तो ये कंपनी जो है आई कंपनी जैसे मैंने आपको बताया है ये कंपनी देखेंगे तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग हाइपर ऑटोमेशन देन देखेंगे बेसिकली आई ए आई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग रोबोटिक्स क्लाउड एनालिटिक्स ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अराउंड छः कंट्रीज में इसके कस्टमर्स हैं तो आप समझ सकते हैं इसका मार्केट कितना बड़ा है उसके बाद कंपनी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ इनका जो अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात हो सितंबर क्वार्टर में ये कंपनी को अराउंड हुआ था 2931 करोड़ का प्रॉफिट एंड इनके सेल्स में कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें इस कंपनी का अगर मैं आपको बैलेंस शीट बताऊं तो इनका बैलेंस शीट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है शेयर कैपिटल थाउजेंड करोड़ का है कंपनी के पास रिजर्व सिक्सटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स करोड़ के हैं रिजर्व अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ में ही देखने को मिल रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं इनके रिजर्व कंपनी पे अदर लाइबिलिटीज बीस हजार दो सौ छब्बीस करोड़ का है देन फिक्स्ड एसेट देखेंगे कंपनी के पास पैतीस हजार तीन सौ पचपन करोड़ का है करंट वर्क इन प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इस कंपनी के टू थाउजेंड सिक्सटी सेवन करोड़ इन्वेस्टेड है एंड करंट मार्केट में इसके 18916 करोड़ इन्वेस्टमेंट है अदर एसेट 39471 करोड़ है कंपनी के पास कंपनी का 2021 का अगर कैश फ्लो देखेंगे तो 2556 करोड़ का है मतलब कंपनी के पास कैश है अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करो तो जैसे मैंने आपको बताया प्रमोटर्स के पास 73.02% परसेंट के शेयर्स है 2020 में 74% के शेयर्स थे जो कि इसमें गिरावट देखने को मिली एफआईआई ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है इस कंपनी में अराउंड नाइन पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट तक की होल्डिंग कर दी है एफ आई आई ने अपनी डी आई आई ने अपनी होल्डिंग कम की है इसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूँ एल आई सी के पास जून क्वार्टर तक इस कंपनी के शेयर थे एल आई सी ने एग्जिट कर दिया है इस कंपनी से ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ पब्लिक के पास अराउंड फोर्टीन पॉइंट नाइन टू परसेंट की होल्डिंग है एंड अदर्स के पास सिर्फ थर्टी टू परसेंट की अदर्स के पास जीरो पॉइंट थ्री टू परसेंट की होल्डिंग है कंपनी के बारे में अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसने कंपनी ज़्यादा रिटर्न भी दिया अपने शेयर होल्डर्स को एंड बजाज ऑटो का अगर देखेंगे तो बजाज ऑटो जैसे मैंने आपको बता दिया टू व्हीलर थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरर है इंडिया में बजाज ऑटो का करंट मार्केट प्राइस है थर्टी फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी एट रुपीज़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वन लाख टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर करोड़ का कंपनी की बुक वैल्यू नाइन हंड्रेड एंड थर्टी फोर रुपये इसकी है कंपनी का डिविडेंड यील्ड परसेंट अगर आप देखें थ्री पॉइंट नाइन फाइव परसेंट का है फेस वैल्यू इसकी दस रुपए की है इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन परसेंट की है प्लेज परसेंट जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट का है एंड एफ आई आई की होल्डिंग एलेवन पॉइंट टू परसेंट की है डी आई आई की होल्डिंग ट्वेल्व पॉइंट एट परसेंट की है इस कंपनी में अगर आप देखें कंपनी ये भी काफ़ी अच्छी है ये अगर मार्केट में देखेंगे बजाज ऑटो का तो इनका काफ़ी बड़ा मार्केट है इंडिया मार्केट में तो काफ़ी बड़ी मार्केट है सितंबर क्वार्टर में इनको प्रॉफिट हुआ था 2040 करोड़ का जो कि पिछले क्वार्टर का डबल है इनका प्रॉफिट तो कंपनी का सेल्स भी ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला है विद टाइम इनका बैलेंस शीट देखेंगे तो शेयर कैपिटल टू करोड़ का है रिजर्व कंपनी के पास ट्वेंटी करोड़ के हैं बोरोइंग सिर्फ वन करोड़ का इस कंपनी के ऑलमोस्ट डेट प्री कंपनी मानी जा सकती है अदर लाइबिलिटी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी करोड़ का है कंपनी पे फिक्सड एसेड है वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू करोड़ 1,727 वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन करोड़ के करंट वर्क इन प्रोग्रेस में ट्वेंटी सेवन करोड़ इन्वेस्टमेंट है एंड मार्केट में इस कंपनी के ट्वेंटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्सटी टू थ्री करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एंड अदर एसेट की बात करें तो इस कंपनी पे सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सिक्स करोड़ की इन्वेस्टमेंट अदर एसेट की बात करें तो इनके पास सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स करोड़ का है कंपनी का टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का अगर मार्च कैश फ्लो देखे तो टू थर्टी वन करोड़ का कैश फ्लो था प्लस में तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे मैंने आपको बता दिया है प्रोमोटर्स का शेयर फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन जीरो परसेंट है जो कि विथ टाइम इन्होंने इंक्रीज ही किया है एफ आई आई ने अपनी होल्डिंग अभी के लिए थोड़ी कम कर दी इलेवन पॉइंट टू वन परसेंट कर दी है जो कि पहले 11.82 परसेंट था एंड अराउंड 2020 में देखें तो ये 13.94 परसेंट तक के आसपास का था मार्च 2020 में तो ये गिरा गिरा इनका प्रोमोटर मींस एफआईआई की होल्डिंग एंड अगर आप डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो डीआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है दिसंबर 2020 में 9.13 परसेंट की होल्डिंग थी जो कि अब बढ़ के ट्वेल्व की होल्डिंग हो गई है पब्लिक की बात करें तो ट्वेंटी की होल्डिंग है पब्लिक के पास मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ ये जो न्यूज़ आई है जो न्यूज़ आई है कि सेंसेक्स में विप्रो रिप्लेस कर रहा है बजाज ऑटो को तो इसका अगर आप देखेंगे इफेक्ट देखने को मिलेगा इन दोनों के शेयर प्राइस में हमें मंडे के दिन बट एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कंपनी अगर आप देखेंगे तो दोनों बहुत अच्छी है ये मामले में एंड लॉन्ग टर्म में दोनों कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी दिया है तो इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बी है सिर्फ ये सेंसेक्स ही नहीं और भी बहुत सारे इंडेक्स जो है वो रिलीज़ करते हैं या इंडेक्स है उनके जैसे कि एक तो हो गया एस एन पी बी एस सी सेंसेक्स जो कि हमारा सेंसेक्स माना जाता है अराउंड अभी फिफ्टी नाइन थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड के आसपास चल रहा है एक है एस एन पी बी एस सी हंड्रेड एस एन पी बी एस सी सेंसेक्स नेक्स्ट फिफ्टी जिसमें पचास शेयर होते हैं एस एन पी बी एस सी बैंक एक्स तो मैं आपको बैंक एक्स के रिगार्डिंग बता दूँ कि रिसेंटली अभी ये कल की ही न्यूज़ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो रिप्लेस करने वाली है सिटी यूनियन बैंक को बी एस सी बैंक एक्स के इंडेक्स में तो इनके भी शेयर प्राइस में हमें इसके वजह से थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिलने वाला है इसी के साथ और कुछ कंपनी हैं जिन जिनको लिस्ट से निकाली जा रही है जैसे कि देखिए अगर आप आप देखेंगे ये बायोकॉन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन टॉरेंट फार्मास्यूटिकल एंड आर इनको बी एस और सेंसेक्स नेक्स्ट फिफ्टी का जो लिस्ट है उससे निकाल दिया जा रहा है एंड इनके जगह पे लिया जा रहा है अडानी ट्रांसमिशन अडानी टोटल गैस एस आर एफ एंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बी एस का जो एक और इंडेक्स है जिसे कहा जाता है बी एस सी का एस एन पी बी एस सी आई पी ओ इंडेक्स उसमें वन नाइन वन कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम का शेयर है अभी रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुआ है उसको एंड के का जो ऑपरेटर है सेफायर फूड्स को उनको ऐड किया जा रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कंपनियां जब ऐड होंगी सेंसेक्स में तो उसका इफेक्ट हमें ज़रूर देखने को मिलेगा इनमें पॉजिटिविटी देखने को मिली है बट जो कंपनियां निकाली जा रही हैं उनमें से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बजाज ऑटो है वो इतनी बुरी कंपनी बिल्कुल नहीं है बस कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे ये कंपनियाँ एक दूसरे को रिप्लेस करती रहती हैं टाइम टू टाइम तो वो अपने पैरामीटर्स के हिसाब से कुछ कंपनियों को ऐड करते हैं लिस्ट में कुछ कंपनियों को निकालते हैं बी का जो सेंसेक्स है उस वो तीस शेयर्स की लिस्ट है जो कि बी में लिस्टेड शेयर्स है तो ये कंपनियां एक दूसरे को रिप्लेस करते रहती हैं इसमें अप एंड डाउन चलते हैं बट बोला जाता है कि जो कंपनियां ये लिस्ट में उन्हें थोड़ा सा सेफ माना जाता है एंड इनमें ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाई वॉल्यूम में ट्रेड होते रहते हैं इन शेयर्स में इनकी जो डिमांड है वो टाइम टू टाइम बढ़ते रहती है एंड अगर मैं आपको बात करूँ विप्रो तो विप्रो तो हमेशा से एक बहुत अच्छी कंपनी मानी गई है तो जो न्यूज़ था मेन ये कौन सी कंपनियाँ किस कंपनी को रिप्लेस कर रही है एंड कौन से इंडेक्स में वो हमारा मेन एम था कवर करना इस वीडियो में बस एंड में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा अगर आप पेटीएम की बात करेंगे तो पेटीएम फ्यूचर में ज़रूर थोड़ा उठेगा बट जैसे कि अभी उसे एस एन पी बी एस सी आई पी ओ के लिस्ट में तो ऐड कर दिया गया है बट पेटीएम में थोड़ा और डाउनफॉल देखने देखने मिल सकता है हमें बिकॉज पेटीएम अभी आप देखेंगे तो पेमेंट बैंक है एक या स्मॉल फाइनेंस बैंक की इसके लाइसेंस के लिए वेट किया जा रहा है जब तक ये लाइसेंस इसे मिल नहीं जाता तब तक इसका प्रॉफिट में आना मुश्किल होगा एंड लाइसेंस मिलने के लिए भी जो बोला जा रहा है वो इसीलिए बोला जा रहा है रिस्क में है बिकॉज इसमें चाइनीज़ कंपनी की होल्डिंग थर्टी प्लस परसेंट से ज़्यादा है तो ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी एंड रिटेल इन्वेस्टर को एक ही चीज़ बोलना चाहूंगा कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर खुद की एनालिसिस कीजिए एंड ये वीडियो ज़रूर आप अपने रेफरेंस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड अगर हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप जरूर बताएं वीडियो ज़्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें एंड चैनल पे नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मार्केट के लेटेस्ट न्यूज मिलते रहें धन्यवाद